नमस्कार, INA न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ नीलम माही। आइए रुख करते हैं आज की खबरों का। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर के थाना अजीम नगर पुलिस द्वारा आज बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने टॉप 10 हिस्ट्री शीटर के पैर में गोली मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश अरशद पकड़ा गया है। वहीं इस मुठभेड़ में एक इनामी बदमाश दानिश फरार होने में कामयाब रहा। INA के लिए जनपद रामपुर से जिला संवाददाता कामरान आमिर की रिपोर्ट। 7:08 की रात्रि में थाना प्रभारी अजीम नगर अपनी फोर्स के साथ में जौहर मस्जिद के गेट पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। वाहन चेकिंग के दौरान ही एक मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति पुलिस की चेकिंग देखकर अचानक पीछे मुड़कर वापस भागने लगे। पुलिस द्वारा उनका पीछा किया गया। पीछा करने पर आगे कच्चे रास्ते पर मोटरसाइकिल सवार अभियुक्तों द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिए गए। पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायर किए गए, जिसमें मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति के पैर में घुटने के नीचे गोली लग गई। गोली लगने के कारण आगे उनकी मोटरसाइकिल गड्ढे में गिर पड़ी। पुलिस द्वारा उसको गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरा व्यक्ति अंधेरे का लाभ उठाकर जंगल के रास्ते भाग गया, जिसका पुलिस द्वारा पीछा भी किया गया। उपरोक्त अभियुक्त को तत्काल जिला अस्पताल के लिए इलाज के लिए रवाना किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से उसका नाम पता पूछा गया तो उसके द्वारा अपना नाम अरशद और सोल्जर सनो अफसर निवासी खरजपुर थाना अजीम नगर बताया गया। उपरोक्त अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, जिंदा खोखा कारतूस, एक पैसल मोटरसाइकिल और एक मोबाइल बरामद हुआ। उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त अरशद सोल्जर थाना अजीम नगर का हिस्ट्री सीटर है। जिले का टॉप 10 अपराधी या एक दुस्साहसिक किस्म का अपराधी भी है। भागुए व्यक्ति का जब से नाम पता पूछा गया तो इसके द्वारा उसका नाम दानिश पुत्र अफसर निवासी खिरजपुर थाना अजीम नगर बताया गया। उपरोक्त अभियुक्त को बाद इलाज न्यायालय में पेश किया जाएगा।